हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत मतलब जो गद्यांश संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के लिए आते हैं, संदर्भ व्याख्या आती है, आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनको संस्कृत में बहुत दिक्कत होती है, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ये जो पैराग्राफ आता है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और ये इसको मिस कर देते हैं, और इससे इनके उनके 4 से 5 नंबर भी कट जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको एक एक शब्द समझाने की, ताकि आपको संस्कृत का अनुवाद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं इसको। आज का हमारा देखो टॉपिक का नाम है संस्कृत भाषा है महत्व, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, तो यहाँ पे धन्यो अयम, लेकिन हम क्या है, धन्य है, मतलब धन्यो अयम भारत देश, हम धन्य नहीं है, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, यहाँ पर जन मतलब लोगों के, मानस मतलब मन, पावनी मतलब पावन, लोगों के मन को पावन करने वाली भव्य भावोद भाविनी, भव्य मतलब ऊंची बड़ी, भावोद भाव, उद्भाविनी मतलब उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द प्रसार को उत्पन्न करने वाली भाषा हमारी दिव्य वाणी संस्कृत है। ठीक है, मतलब भारत देश इस भाषा को पाकर क्या हो गया, धन्य हो गया। ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मये सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्धते। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक, विद्यमानेषु मतलब विद्यमान साहित्यों में। ठीक है, वाङ्मयेषु मतलब साहित्य, विद्यमान साहित्यों में इसका जो साहित्य है वो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा और सुसंपन्न है। किसका साहित्य, संस्कृत का साहित्य। इयमेव भाषा संस्कृता नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि, सॉरी बच्चों, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, मतलब यह भाषा संस्कृत के नाम से लोक मतलब विश्व में या लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्माकं रामायण महाभारत वैद्य साहित्य ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्या दीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। ठीक है, अस्माकं मतलब हमारी। ठीक है, अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारा, तो हमारे रामायण महाभारत, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, ठीक है, सर्वा उपनिषदा सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणान, अष्टादश का मतलब होता है बच्चों 18 पुराण, अन्यान च महाकाव्य मतलब अन्य महाकाव्य नाटक अश्यामेव भाषाएं लिखितानि सन्ति, मतलब और बहुत सारे ऐसे काव्य हैं जो इस भाषा द्वारा लिखे गए। क्लियर, यमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीत मन्यते भाषा तत्वविद्य, मतलब लेखक क्या बोल रहा है कि अनेक भाषाविद या भाषा के ज्ञानी इस
भाषा को अनेक भाषाओं की जननी मानते हैं। मतलब उनका कहना है कि इस संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, जननी। ठीक है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञाना श्रयत्तम व्यापकत्वम च न कश्यापि दृष्टेर विषये। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि संस्कृत का गौरव, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, बहुविध ज्ञाना श्रेयत्तम, संस्कृत गौरव बहुविध ज्ञाना श्रेयत्तम, मतलब उसमें बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान का होना। ठीक है। व्यापकत्वम मतलब उसकी व्यापकता, ठीक है, उसकी व्यापकता च न कश्यापि दृष्टेर विषय, किसी की नज़र से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, ठीक है, उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान होना, उसकी व्यापकता किसी से छिपी नहीं है। ठीक है। संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टिपथ माननीय सम्य गुप्त माचार्य प्रवरेण दंडिना। ठीक है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में, दृष्टिपथ माने ध्यान में रखकर, सम्य गुप्त माचार्य प्रवरेण आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा, क्या कहा, क्या कहा है बच्चों, संस्कृतम नाम देवी वाग्न वाग्न्यवाख्यात महर्षि भी। मतलब दंडी ने क्या बोला, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी कहा। मतलब दंडी ये बोल रहे हैं कि संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा है। ठीक है। ये किसने बोला, दंडी ने बोला कि जो संस्कृत है उसको अनेक महर्षि, अनेक ऋषि मुनि क्या मानते हैं, देवों की देववाणी, मतलब जिस वाणी से देवता बात करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग देवता करते हैं, वो कौन सी भाषा है, संस्कृत। ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। और देखो ये कई सन में रिपीट हुआ है, देखो बच्चों 15 में भी आया, 17, 21, 22, 19, 23, ठीक है, 23 में आया, तो इस साल भी रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ये आपको संस्कृत से हिंदी का अनुवाद आना चाहिए बच्चों। ये संस्कृत और संस्कृत का अनुवाद कैसा लगा, हमने आपको कैसे समझाया, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। वीडियो पर नहीं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। थैंक यू।